हरीश जी, सबसे पहले आपको जानना चाहूंगा फिल्म की, फिल्म को लेकर वैसे ही बहुत कुछ विवाद हो रहे हैं, एतराज कर रहे हैं लोग बात। आपने एक नई बात को जन्म दे दिया, आपने कहा कि एक फिल्म मेकर और एक किसान की स्थिति हिंदुस्तान में बिल्कुल एक जैसी है, और इस बात को लेकर भी लोगों को बुरा लग रहा है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जो फिल्म है मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव, तो ये एक्चुअली जो वहाँ का जो मुजफ्फरनगर का जो आउटस्कर्ट्स है, जहाँ पे छोटे मोटे विलेजेस है, वहाँ पे जितना तकलीफ़ हुआ लोगों को, कितने लोगों ने ये दंगे से पीड़ित है, उन सब से मिल के मैंने सारा चीज़ जानने के बाद ये शुरू कर दी, ठीक है। और फिल्म से पहले, क्योंकि उसका जो प्रोड्यूसर है मनोज कुमार मांडी, वहीं से है, मुजफ्फरनगर के आसपास से, उन्होंने बहुत करीबी से देखा है कि दंगा हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ। उन्होंने एक स्टोरी लिखा, फिर मुझे बुलाया, एक साल रिसर्च करने के बाद वो सारा आई थिंक हर लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों को मैं मिला, डीपली गया उस चीज़ के अंदर, जब पता लगा कि भाई ये बहुत लाइक इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, जो मीडिया में या किसी के हाथ में नहीं आई है, तो वो सब चीज़ों मैंने, किसको टाइम लगा, एक साल लगा, सब काम छोड़ के इसमें लग गए हम लोग। फिर एक स्क्रिप्ट रेडी हो गया, फिर मैंने स्क्रीन प्ले लिखा इसका, फिर इस पर शूट में निकले हम लोग। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये फिल्म कंप्लीट हो गई है, रिलीज होने की बात आ गई है, हमने सेंसर में अप्रोच किया फिल्म को, और सेंसर में भी जब पहले जब हमने इसमें एग्जामिन कमेटी में गया, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स था, उसमें कुछ चीज़ें थी वो उन लोग का गाइडलाइन से बाहर था, उसके लिए उन्होंने बोला हटा दो इसको, वो सब हटा दिया हमने। उसके बाद रिवाइज कमेटी में गया, रिवाइज कमेटी में फिल्म देखा कि उनको बहुत पसंद आई फिल्म, उन्होंने बोला कि ये फिल्म यूएस सर्टिफिकेट के साथ में हम लोग आपको बाहर निकाल रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया फिल्म के अंदर, ये अगर फिल्म बाहर आती है, ये जो लोगों का जो कन्फ्यूजन है, हिंदू मुसलमान ये अलग वो अलग, समुदाय के बीच में या किसी की पार्टी पार्टी के बीच में, ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो दंगा होता है किसी न किसी गलत लोगों की वजह से। ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये हिंदू है मुसलमान, ये हर कम्युनिटी में हर जगह कोई ना कोई गलत है ही है, वो उन कुछ गलत लोगों की वजह से। इवन पॉलिटिकल पार्टी भी अगर आप बात करते हो तो हर पार्टी में कुछ लोग गलत होते हैं, पार्टी गलत नहीं होती है कभी। तो ये सारा चीज़ मैं इस फिल्म के ज़रिए लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और लोग ये बोला, अभी मैंने बोला था, सही बोला आपने, मेरे से क्वेश्चन पूछा कि किसान जैसा हमें भी सुसाइड करना पड़ेगा, ये सच बात है। क्योंकि क्या है कि हम एक प्रोड्यूसर अपना पूरा पूंजी लगा देता है, उसका जो भी इसका जो सेविंग्स है वो लगा के टाइम दे देता है, और एक फिल्म शुरू करने से लेकर ऐसे जो कंट्रोवर्शियल फिल्म है या कोई भी विवादित सब्जेक्ट उठा रहे, तो उस पर हर चीज़ का प्रॉब्लम आता है। वो सब सफ़र करके हम लोग ने फिल्म कंप्लीट कर दी, इवन सेंसर सर्टिफिकेट ले लिए। अब जाके वहाँ का जो DM है, जो मुजफ्फरनगर का, वो बोलते हैं मुजफ्फरनगर में फिल्म नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए तो पैसे रिकवर नहीं होगा। तो हम जो फिल्म मेकर हैं, तो हमारा तो वही हालत हो गई है कि जो किसान है, जो सब कुछ करता है और उसके बाद बारिश नहीं आती है, उसको राइट रेट नहीं मिलता, वो उसका जो लोन ले लिया लिया रहता है, वो सब सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये हमारे साथ भी यही होगा आगे जाके, फिल्म मेकर के साथ। फिल्म बनाने टाइम हम अपना पूरा टाइम दे देते हैं, साल डेढ़ साल लग जाता है ऐसी फिल्मों में, तो उसके बाद अब रिलीज़ के टाइम पाते हैं तो एक सेंसर में थ्रू जाते हैं हम लोग, या सेंसर थ्रू के बाद आपका DM या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई आके रोकने की बात करते हैं। ये कोई नहीं सोचते इसमें पैसा लगा हुआ है, मेहनत लगा हुआ है, आदमी क्या करेगा इस हालत में, सुसाइड ही कर लेगा। आपकी फिल्म रिवाइजिंग कमेटी ने देखी और उनका कहना है कि फिल्म बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा सोशल मैसेज देती है। जी, फिल्म के अंदर जो मैसेज है कि वो जो रिवाइजिंग कमेटी में जब फिल्म गई, वहाँ पे सब 18 से 20 लोग बैठते, इवन चेयरमैन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वहाँ पे, वो भी बैठ के देखते हैं कि ऐसी विवादित फिल्म को जल्दी एग्जामिन कमेटी पास नहीं करती है। वो जब वो लोग ने देखा तो वो लोग खुश हो गए, फिल्म मेरे बहुत अच्छे सब्जेक्ट आपने उठाया, और ये दंगे के ऊपर लोग सोचते हैं कि इसमें भड़क जाएगा दंगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो एक भाईचारा है, सद्भावना है कि एक कम्युनल हारमोनी को बढ़ावा दिया गया इसको, इसमें लोग एक बार फिल्म देखने के बाद, मुझे नहीं लगता कि अगर ये फिल्म अगर मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ है ये फिल्म अगर कोई देख लिया तो कहीं भी स्टेट में हो या किसी भी और जगह दंगा नहीं होगा आगे। लोग बोलेंगे कि यार ये देखो मुजफ्फरनगर, उसमें दिखा है कि ये क्यों होता है और इसका बैड इफ़ेक्ट्स क्या है, और जब सामने आ जाएगा ये चीज़ कि लोग पसंद करेंगे फिल्म। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो वहाँ का DM ने जो एक 5-6 थिएटर में रिलीज नहीं होना चाहिए, दंगा भड़केगा, जब हमने उनको बोला फिल्म देखो, फिल्म देखने तैयार नहीं है वो बोलता है कि ADM को दिखाओ, कि ADM बोलते हैं कि DM को दिखाओ, ये आपस में गुमराह कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है,
कि हम तैयार है आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए, अगर गलत है तो हम क्या गलत है हमें बता दीजिए, क्योंकि एक तो सेंसर बोर्ड अगर किसी भी फिल्म को अगर सर्टिफिकेट यूए दे देती है, वो भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल एक है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंसर बोर्ड है, जब अगर सेंसर बोर्ड ने अगर दे दिया तो उसके बाद हम क्या 29 स्टेट्स है इंडिया में और 6 यूनियन टेरिटरीज है और वहाँ का सारे लोगों को दिखाते फिरते रहे हम लोग ये फिल्म को, या हम दिखा देंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और देखने तैयार नहीं है वो लोग, तो क्यों है फिर ये सेंसर बोर्ड, क्या चीज़ है सेंसर बोर्ड का, मतलब वैल्यू क्या है फिर? बहुत सी फिल्में टैक्स फ्री हुई है, पिंक की मैं बात करूँ, मैं प्रेम कथा की बात करूँ, काफी फिल्में टैक्स फ्री हो जाती है क्योंकि उनका मुद्दा बड़ा सोशल रहता है। देखिए ये जो पिंक है जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और उसको भी टैक्स फ्री किया गया कि सही किया है कि जरूरी है ये कि, और दूसरा एक टॉयलेट प्रेम कथा भी आई है जो ये इसमें भी दिखाया शौचालय के बारे में, क्योंकि इसके क्या यूज़ है, इसका इसमें क्या बेनिफिट है एक विलेज के लिए, ये सब दिखाया गया है, उसको टैक्स फ्री किया है। मुझे लगता है कि मुलायम जी का जो सरकार था जो एसपी का उस टाइम पे, तो लोग ने बहुत फिल्मों को ऐसा जो सोशल मुद्दा उठाते उस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, कि क्यों हमारी ये जो फिल्म है ये भी वही है, ये भाईचारा की बात करता है, कि सद्भावना की बात करता है, कि क्यों हम ये जो हिंदू मुसलमान ये सब अलग अलग है, ये चीज़ को एक होके चलना चाहिए, ये एक मैसेज देती है फिल्म। इसको भी मेरे हिसाब से मैं अपना प्राइम मिनिस्टर है जो प्रधानमंत्री है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और योगी आदित्यनाथ जी है जो सीएम है, सो ये इस फिल्म को ज़रा देखे और इसको भी टैक्स फ्री के करने के बाद क्या होगा, कि मैं चाहता हूँ ये जो भाईचारा है, ये जो सद्भावना है और लोगों को मिलजुल के रहने की बात करती है जो फिल्म, तो ये मैसेज हर आदमी देखे और हर आदमी के पास जाए, और इससे मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्टेट के लिए बेनिफिट है, कि इस चीज़ से सब लोग देखेंगे फिल्म को, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये फिल्म एक आगे होने वाले दंगा ये सब चीज़ को दबा देगी, कोई भी इसको प्रोत्साहन नहीं देगा, कोई भी भड़काने की चीज़ को दबाने की कोशिश करेगा। जैसे एक अमिताभ बच्चन जी का फिल्म आई है पिंक जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, और उसके बाद आया टॉयलेट एक फ्रेम कथा, ये जो है अक्षय कुमार जी का फिल्म, ये बात करती है कि भाई खुले में शौच करना ठीक नहीं है, इसके खिलाफ है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और उसी हिसाब से हमारी फिल्म भी जो एक कम्युनल हार्मनी है, सद्भावना की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कम इसको भी टैक्स फ्री करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुँचे और इसका बेनिफिट उठाए और इसमें से जो सीख मिले उन लोग को, बहुत अच्छा मैसेज दिया हुआ है फिल्म को।